सागर जिले की राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 10 की पूर्व पार्षद का बेटा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया। मामला राहतगढ़ थाना क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां पर वार्ड मेंबर का बेटा अरबाज अपनी फूफी के यहां जा रहा था। तभी रास्ते में नाजिम अपने दोस्त आजम के साथ आया और अरबाज को गाली देने लगा। अरबाज ने गाली देने से मना किया, उसके बाद ही नाजिम ने अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया। तुरंत घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद अरबाज को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चाकूबाजी की घटना नगर में फैल गई, बड़ी संख्या में लोग घायल को अस्पताल देखने पहुंचे। राहतगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। करीब 2:15 बजे अरबाज शाह निवासी वार्ड नंबर 10 ने थाना पर आकर रिपोर्ट किया है कि यह वार्ड नंबर 8 का डिप्टी कर जान से मारने की धमकी देने लगा। तभी नाजिम के भाई आजम शाह ने आकर इसे पकड़ लिया व नाजिम ने चाकू निकालकर पीठ में मार दी। रिपोर्ट पर मारपीट का अपराध दर्ज किया गया। अरबाज को अस्पताल सागर भेजा गया, जहां से डॉक्टर साहब ने जिला अस्पताल सागर के लिए रेफर कर दिया। सर, मामला क्या बनाया? मारपीट का मामला बनाया। धारा क्या? आरोपी नाजिम शाह और आजम गिरफ्तार हुई। अभी इनकी तलाश जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।